चन्नी सुन रहे हो सब बच्चे? हाँ थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने फाइंड करना था, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है उल्टा है उसे, जो पहले दो क्वेश्चन थे उसका उल्टा है। पहले आपको मैट्रिक्स गिवन था तो आपने लीनियर, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी तो आपने मैट्रिक्स फाइंड करना था। अब मैट्रिक्स गिवन है तो आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी, ठीक है। क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिटरमाइन एम एंड एन एंड एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कि आपके पास यहाँ पर ये गिवन है मैट्रिक्स और आपने एम और एन बताना है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना आपके पास इस तरह से है ना, अगर ट्रांसफॉर्मेशन टी है आपके पास यहाँ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बुक्स भी खोल लो साथ में, आर एन से लेके आर एम तक। ठीक है, तो इसको स्वर्ण्स बोलते हैं, ये हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। एन क्या होगा, हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स। गौर से देख लो, ये बाद में तुम लोगों को अगर ये नहीं पता लगा तो सवाल नहीं हल होगा। अच्छा, और ये हमेशा होगा नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने बताना है एम और एन है क्या। यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो तो कॉलम्स हैं, तो इसलिए एन क्या होगा यहाँ पर टू, और रोज कितनी है यहाँ पर तीन, तो एम क्या होगा तीन। ठीक है, तो ये थ्री क्रॉस आपको पता है जब मैट्रिक्स ऑर्डर कैसे लिखते हैं, थ्री क्रॉस टू, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, थ्री क्रॉस टू। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ पर एम को टू से रिप्लेस कर दिया और एम को थ्री से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ जो आपने मैट्रिक्स अज्यूम करना है वो टू रोज का करना है। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का करना है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट जरा वेट करना, 2 मिनट। इंटरनेट पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मोबाइल डाटा यूज कर रहे होते हैं जिनको फिर लोड बढ़ जाता है उनके मोबाइल में, तो आप काइंडली जो अपने कैमराज हैं उसको ऑफ रखा करें। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट्स मैं आपको कह रही थी ये जो वेक्टर है आपने इधर से उठाना है, आर टू से। आर टू से मतलब टू कोऑर्डिनेट्स का वेक्टर है। ठीक है, आर टू से मतलब टू कोऑर्डिनेट्स का, अगर यहाँ आर थ्री होता तो आपने थ्री कोऑर्डिनेट्स का लेना था। ठीक है, आर फोर होता तो फोर कोऑर्डिनेट्स का, बात समझ रहे हो। पहले तो सबसे पहले आपने ऑर्डर डिफाइन करना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ सारा, फिर सुना। सबसे पहले तो ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ रोज कौन सी, नंबर ऑफ कॉलम्स कौन सी। मैंने आपको बताया कि एन जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम होगा और एम जो होगा वो नंबर ऑफ रोज होगा, तो ये आपने ऑर्डर लिख दिया रो क्रॉस कॉलम्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पर टू एन था क्वेश्चन में दिया था एन, तो एन की जगह टू रिप्लेस कर लेना, एम की जगह थ्री रिप्लेस कर लेना। ठीक है, तो फिर अब आपने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी, ये जो मैट्रिक्स गिवन था वो लिखेंगे और इस मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे वैक्टर फॉर्म में तो ये वाले वैक्टर्स आ जाए। ठीक है, तो यही हमने करना था। अब स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट कर बाद में कर लेना, थर्ड पार्ट जो है ना वो मुझे अभी करके बताओ। थर्ड पार्ट जो है मुझे अभी करके बताओ इसका, 3.4 का।
और यहाँ तो कुछ समझ ही, अली को कोई नहीं है, ये मोबाइल मुझे रख लगता है ऑन करके ना तो चला गया, मैं से तुम्हें अली क्लास से निकालने लगी। अली रजा, क्या करते हैं स्टूडेंट्स इस तरह की स्टडीज का क्या फायदा, आपको जस्ट अटेंडेंस ही कंसर्न है। मोबाइल ऑन किया हुआ है, छत नजर आ रही, खुद पता नहीं कहाँ गायब है। चलो खैर, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया ये करूँ। अच्छा स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट्स यहाँ नहीं लिखी, मैं स्टेटमेंट बुक से पढ़ रही हूँ, तुम लोग भी अपनी बुक खोलो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3, R3 से R3 में ट्रांसफॉर्मेशन है गिवन, ठीक है। तो आपने आपको मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड टी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, एक तो टी बताना है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां तक तो एज इट इज वैसे करना है जैसे थर्ड क्वेश्चन किया है, ठीक है। दो चीजें इसमें पूछी, एक तो ये चीज पूछी ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी पूछी थी, ठीक है। दूसरे ये पूछा है कि इट्स मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, के ये बेसिस, तीन बेसिस यहाँ गिवन है, इसके रिस्पेक्ट मैट्रिक्स क्या होगा। समझ आई बात की, दो बातें पूछी अब इस चौथे क्वेश्चन में। पूर पिछली जो तीनों क्वेश्चन है वो मर्ज हो गए, ठीक है। कैसे, पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन पूछी है, थर्ड क्वेश्चन पूछा, और फिर उसके बाद सेकंड पूछा, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करना है, हमने इसमें सबसे पहले स्टूडेंट मैट्रिक्स गिवन था आपको, आपने एग्ज्यूम किया R3 से R3 में था, तो ये वेक्टर जो है R3 से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है X1 X2 X3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली टर्म बन गई। एक तो ये पूछा थी ट्रांसफॉर्मेशन पूछी थी, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा स्टूडेंट्स अब देखो, अब हमने इसके रिस्पेक्ट ये बेसिस गिवन है, यहाँ तक तो एक पार्ट हो गया मुकम्मल। अब आपको ये बेसिस गिवन दी, इसके रिस्पेक्ट आपने दूसरा मैट्रिक्स फाइंड करना था। तो हमने क्या किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जब बेसिस हमें गिवन थी तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली थी बेसिस की, E1, E2 और E3 के नाम से सब्स्टिट्यूशन की थी, याद है। वहां पर E1, E2, E3 के नाम से की थी, यहाँ V1, V2, V3 के नाम से बेसिस गिवन है, ठीक है। V1, V2 और V3 के नाम से बेसिस गिवन है, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट कर ली, और स्वर्ण ये वाला वेक्टर जो है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन था कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन इस वेक्टर पे अप्लाई हो तो ये आती है। अच्छा सॉरी, गिवन नहीं था, इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट किए थे देखो, स्क्रीन की तरह यहाँ हमने पुट किया 0, ये वाली टर्म V1 पुट की, हम ऐसे ही करते थे ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था, यहाँ पर बेसिस पुट की थी और जो आंसर आया था, अगर जब यहाँ 1 पुट करोगे 1 प्लस 2, यहाँ पुट करोगे 0 माइनस 2, और यहाँ पुट करोगे 0 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद क्या
क्या करते थे हम फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या किया था जो आपके पास सॉल्यूशन आया था आपने उस कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख लिया था, तो वही काम मैंने यहाँ किया है। यहाँ V1 V2 V3 बेसिस हैं, याद रहे स्टूडेंट्स बेसिस जरूरी नहीं है वही हो, बेसिस कोई भी सी भी हो सकती हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं कोई से भी, लेकिन जब स्टैंडर्ड बेसिस की बात की जाए तो वो वाली बेसिस होती है जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने यूज की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस का जिक्र नहीं है, उन्होंने जो बेसिस गिवन थी उनको यूज करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे इसको लिख लेंगे। पहले दिस वन V1 V2 V3 लिखा, A1 A2 A3 हमने सपोज किए और इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो आपके पास आ गया है ये वाली टर्म आ गई। अब चाहे तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व कर ले, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले। मैट्रिक्स से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 0 1 1 3 1 1 0 -2 1 1 -2 -1, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया A1 A2 A3 आना है, आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। A1 A2 A3 इस वाले में पुट किए करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास एक रो का जवाब आ गया। अब दूसरी का कैसे कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे। अगेन हम स्टूडेंट्स ये वाला वेक्टर जो है पुट करोगे, पहले मैंने ये वाला पुट किया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं ये वाला पुट करूंगी, 1 1 और 1 यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस 1 3 सॉरी 2 1 -1 0 -1 -2, तो 2 0 और -2 आ जाएगा, देखते हैं यही आया। ठीक है तो ये आ गया, ये देखो, ठीक है। अच्छा तो ये तो अगला सवाल है। अच्छा इन्होंने सॉल्व भी नहीं यहाँ पे किया, उन्होंने सिमिलर कह के लिख दिया। देखो जरा तुम लोग क्या करते हो, यहाँ पर अगेन इसको पुट करोगे, बात गौर से देख लो, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ है। इसको यहाँ पर पुट करोगे 1 1 1 0, तो यहाँ आ जाएगा 2 0 और -2, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, 2 0 और -2 को लिखोगे लीनियर कॉम्बिनेशन तो के तौर पे E1 V1 प्लस A2 V2 और प्लस A3 V3, ठीक है। तो अगेन ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। अच्छा अब तीसरे स्टेप में क्या करोगे, तीसरे में अगेन यहाँ पर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर। तो जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा X1 1 X2 0 -2, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे X1 1 -2 X1 0 X2, सॉरी X2 0 है, ये 1 है, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 3 और -1। तो इसको भी अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखोगे A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, ठीक है। इसको लिखने के बाद ए बी सी तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो स्टूडेंट्स आपको ये आ जाएगा, ये दूसरे वाले वेक्टर में इसको जब कैलकुलेट करोगे तो A1 -2 आएगा, A2 2 आएगा और A3 0 आएगा। और जब इस वाले को कैलकुलेट करोगे तो A1 -2 आएगा, A2 2 आएगा, A3 0 आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैट्रिक्स आया है अपकमिंग आपके पास,
ये कैसे है? इस वाले मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लोगे, इन वाले इन वेक्टर्स को, -1 9 -6 -2 2 0 14 -11 और 9, ठीक है। और जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये वाली टर्म आ जाए, ठीक है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सा ये है करने वाला क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन जो है ना इसको करना पड़ेगा। हम ना कह रही है, गेन बता दें, हम ना गेन देख लो, लेकिन कोशिश किया करो, कनेक्टेड रहा करो। अगेन देखो, मैंने स्टूडेंट्स दो बात चीजें यहाँ फाइंड की हैं, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की है, जैसे पहले की थी थर्ड क्वेश्चन में, कि मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया R3 के वेक्टर से, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दूसरा, मैंने सेकेंड क्वेश्चन की तरह मैट्रिक्स अगेन जो मेरे पास अब ट्रांसफॉर्मेशन बनी, मैंने उससे नया मैट्रिक्स जनरेट किया। कैसे जनरेट किया? इन बेसिस को यूज करते हुए, ठीक है। पहले इसको इसमें पुट किया, फिर इसको इसमें पुट किया, फिर इसको इसमें पुट किया, तो तीन तरह के अपकमिंग वेक्टर आ गए। जो अपकमिंग तीनों वेक्टर आए हैं उनको इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिख लिया, ठीक है। और देन तीनों वेक्टर्स के अलग अलग ए बी सी कैलकुलेट किए हैं, तीनों वेक्टर्स में अलग अलग, और पहले के ए बी सी a1 a2 a3 ये हैं, दूसरे में a1 a2 a3 ये हैं, और तीसरे में a1 a2 a3 ये हैं, और जब उनका ट्रांसपोज फाइंड किया तो ये आ गया आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपके पास दो तरह की बेसिस गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर R2 से R3 में मैपिंग है, और स्वर्ण दो वेक्टर्स हैं, और ये कह रहा है कि ये दो वेक्टर्स मैप होते हैं, R2 से R3 में मैप हो रहे हैं, मैट्रिक्स बताना है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो स्टैंडर्ड बेसिस R2 में आपको पता है ये होती हैं, जब आप इसको लिखोगे, आप इसको लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखोगे स्टैंडर्ड बेसिस की, तो ये आएंगे। इसमें फर्दर स्टूडेंट टी अप्लाई किया है इन दोनों में, फर्दर पहले इन ये जो गिवन थे वेक्टर्स इसको लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा है, और देन ट्रांसपोज अप्लाई किया, ठीक है। जब ट्रांसपोज क्यों मैंने अप्लाई किया है, इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद कुछ सॉल्यूशंस गिवन थे, हमने उनको यूज करना था, ठीक है। तो t(1, 1) इसके इक्वल गिवन था, और t-1, 1) इसके इक्वल गिवन था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय एलिमिनेशन मेथड, ये टर्म कट गई है, और ये 2 into t(0, 1) आ गया, ठीक है आपके पास। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपस में, तो ये वाली टर्म आ गई, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो 0 -2 -2 1 -1 0 2 -0 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगेन हमने सिंप्लीफिकेशन की है तो ये वाली टर्म कैंसिल होगी, और इसमें इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। अब मैंने ये दोनों जो आपके पास आए इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको यहाँ पर नहीं किया हुआ लेकिन आप लोग कर लेना, इसको 2 पे डिवाइड किया है तो आपके पास आ गया है -1 0 और 1, ठीक है, -1 0 और -1 0 और 1। और स्टूडेंट जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 1 1 1, और जब आपने ट्रांसपोज लिया है, यहाँ पर लिया नहीं, वहां आप लोग ले लेना, तो -1 0 1 1 1 और 1, ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में से स्टूडेंट्स 6 आपने नहीं करना, 5 क्वेश्चन तक करने, 6.4 अब आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीक जो है ना, छठा चैप्टर अब आपका कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं 6 चैप्टर का टेस्ट लूंगी, ठीक है।
व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करूंगी, क्वेश्चन आपने ईमानदारी से खुद बैठ के करनी है, देन मुझे सोल्यूशन व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, अब आप बच्चे नहीं हो कि मैं आपको बताऊं चीटिंग नहीं करनी, तो आपकी अपना फायदा है। अगर आप स्टूडेंट शुरू में बताया करो ना, मेरे पास इस टाइम ना हफ्ते में रोज की 7-8 क्लासेस होती है, मुझे कोई याद नहीं होता किसी में फॉरनर बैठा है किसी में नहीं बैठा। आप मुझे बिल्कुल आखिर में बता रहे हो कि यहाँ फॉरनर्स वाली क्लास है, जब क्लास शुरू होती है ना उसी टाइम बता दिया करो, जो फॉरनर्स हैं वो टेक्स्ट कर दिया करें। अब्दुल्ला क्या एक्सप्लेन कर दूं, कौन क्या बात समझ में नहीं आई। 5 मिनट्स रिमेन टू ऑफ दी सेशन, मार्क योर अटेंडेंस अगेन। ओके दाऊद, व्हेन यू एंटर इन द क्लास यू मस्ट मेमोराइज मी दैट यू आर फॉरनर एंड आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आई सॉरी आई फॉरगेट दैट यू आर इन क्लास बिकॉज आई हैव सो मैनी क्लासेस इन दी वीक्स, दैट्स वाई आई फॉरगेट। So always memorize me when you enter the class that you are foreigner and you can't understand Urdu. Okay. Or any CR or GR must memorize me. Anyway, students, 3 minutes remain to of the session. Mark your attendance and. No, you must do, you will not join again. You have single class today. So you must students do practice of question chapter number 6. You have a test of chapter number 6 in the next week. Okay. और R3 में स्टैंडर्ड बेसिस ये होती है।